अपना राज्य को चलाना चाहिए अच्छे से। तब लेकिन चाचा नीतीश कुमार तो खुद ही बोले थे कि हम मर जाएंगे बाकी बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज देखिए फिर बिना मैंने पलटी मार के चले गए। तो वैसे तो देखिए कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव भी कम नहीं नेवते हैं नीतीश कुमार को, है ना। नीतीश कुमार को कम नहीं नेवते हैं, लेकिन फिर उनके बाद उसके साथ आए ना तो राजनीति में तो खैर संबंध बनते बिगड़ते रहता है। लेकिन अभी बिहार की जनता के लिए क्या सही रहेगा? अभी तो जनता के लिए यही सही रहेगा कि बीजेपी में गए तो बहुत अच्छे काम किए और पहले भी थे तो अच्छे, और राज्य सरकार भी मिलकर करेगी, केंद्र सरकार भी मिलकर करेगी, ये लोग के लिए तो बेहतर था, पहले भी था, लेकिन कुछ कारण आया इसलिए उनको साथ छोड़ना पड़ गया। एक हमको लगता है कि ये फायदा शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार से अपना बात मनवा सकते हैं। जी बहुत बात भी मनवा सकते हैं और बिहार और आगे तरक्की करेगी। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर करना चाहिए था कि केंद्र सरकार भाजपा का है, दोनों मिल के अच्छा विकास हो रहा था, इन दोनों आदमी को मिल के काम करना चाहिए। ठीक है राजनीति जगह पे है, बाकी उसमें जनता को नहीं पीछना चाहिए, जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना चाहिए ना जनता के लिए। अब वो अपने राजनीति स्वार्थ के लिए जनता को पीस रहे कभी उधर कभी उधर, और किसी अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको भरोसा पर ही जिताता है कि हम इनको बनाएंगे, और जितने के बाद चले जाते हैं जेडी में, आरजेडी वाला चलाते हैं भाजपा में, ये सब कब राजनीति उलट पुलट चल रहा है, लड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये देखिए ना कि कितना विधायक जो है, बाकी का तो छोड़ दीजिए, बड़ा नेता तक तो जनता का पहुँच नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तक जनता का पहुँच है, उसके बाद जो विधायक हो गए उन लोगों तक जनता का पहुँच है। तो बहुत सारे लोग इस पार्टी से जीतेंगे या फिर उस पार्टी में चले जाएंगे तो गड़बड़े ना करेगा मामला। तो देखिए मैडम राजनीति ये सब है, वो तो उनका तो काम है, ठीक है, जहाँ पल्ला भारी रहता है वहीं जाते हैं। भैया नीतीश कुमार जो है वो अभी राजनीतिक हीरो बने हुए हैं राजनीति में, है ना, उल्टा पुल्टी का माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार के लिए अभी क्या सही रहेगा, बीजेपी में जाना कि आरजेडी में जाना? अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में जाना चाहते हैं। अब हम लोग के लिए, हम लोग को बोलने से क्या होगा, क्या रहेगा सही, तो अब वही बताएंगे क्या सही रहेगा उनको। अब हमारे सही रहने से उनका नहीं, जैसे जैसे देखिए हम, मेरे पूछने का कारण ये है ना, क्योंकि हमने जो है वो नीतीश कुमार और आरजेडी का भी शासन देखा हुआ है साथ में, है ना, और नीतीश कुमार और बीजेपी का भी साथ में शासन देखा हुआ है, तो क्या सही है ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या? क्या सही है मैडम, हम कैसे बता सकते हैं? आपको क्या सही लगेगा वो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं नहीं हमको नहीं, क्या सही रहेगा इथिकल, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसमें जाना पसंद करते हैं। मतलब अभी जैसे राजनीतिक लोग बयान दे रहे हो इसे एकदम बैलेंस करके बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बस अब वो उनका मर्जी, वो किसमें जाना चाहे, अब हम लोग क्या कमेंट करें उनके बारे में। मेन बात देखिए जनता के लिए भी जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, तो कब क्या बोले वो समझ ही में नहीं आ रहा है। क्या सब लोग ढोल है, ढोल कभी अन्य बजाता है कभी अन्य बजाता है, पब्लिक लोग बुड़बक है बिहार का, पब्लिक बेचारा बैठ के सुनने वाला भजन गाने वाला है ना, बुड़बक है बुड़बक, ठीक ना। अब जिसको बहुमत मिले, जो जनता जिसको देता उसी के साथ रहना चाहिए, उनको भी पलटना नहीं चाहिए। जिसके साथ मतलब जनता हाँ, जिसके साथ दे, है ना, पलटना नहीं चाहिए उनको, एक ही तरफ रहना चाहिए, चाहे बीजेपी में रहे चाहे आरजेडी में रहे, पलटना नहीं चाहिए। सही बात है भाई, बहुमत का मतलब यही है ना कि जनता ने इस पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद किया, और सबसे बड़ी बात है कि हिसाब किताब जो हम लोग लगाते हैं ना कि राजनीतिक हिसाब किताब क्या होगा, तो उसमें जो है अंततः हम लोग यही पाते हैं कि जनता बेचारी बेवकूफ बन जाती है, जनता जो है वो भरोसा जिसपे करती है उसका भरोसा रह नहीं जाता है। अब तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि नीतीश कुमार के देंगे तो वो किधर जाएंगे, आरजेडी को देंगे तो वो किधर जाएंगे, भाजपा को किधर जाएंगे, सब तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, वोट में कन्फ्यूजन करते रहे, जीतते हैं कुछ और करके चले जाते हैं कोई और करके कुछ। हालांकि देखिए कि लोकसभा और विधानसभा में वोट का जो हिसाब होता है, के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जात हो, कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं है, सब नेता डिवाइड करके रखे हुए हैं, सब नेता रखे हैं, सब हम आप कहीं गांव में जाइएगा ना तो सब मिल के रह रहे हैं, बस वहाँ से हम लोग कभी बोलते हैं गांव में कि वो जाति फलना जाति के, तू उसे परहेज करो। उनके लिए सही क्या रहेगा या जनता के लिए सही क्या रहेगा, आरजेडी के साथ जाना कि लगता वो चल जाए बिहार छोड़ के, चल जाए सबसे बढ़िया क्या चीज बढ़िया किए हैं, कोई काम बताइए। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किए हैं भैया, शिक्षा पे भी काम किए, शिक्षा पे काम किए हैं, लेकिन ना प्रशासन सही है ना शिक्षा सही है, क्राइम का तो मामला थोड़ा सा बढ़ा है भैया। क्यों बढ़ा है, उससे ध्यान देना चाहिए ना, मेन तो लाइक मेन जो है बच्चों का फ्यूचर जो है पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद प्रशासन है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं है, ये दो चीज सही हो जाएगा देश सही हो जाएगा। शिक्षा पे तो इधर कुछ दिनों में थोड़ा कड़ाई किया गया है, उन्हीं के ऑफिसर है के पाटिल, इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कर दिए है ना, आगे वापस अच्छा बात है, 15 साल से रह रहे हैं ना अभी नीतीश कुमार, एक बार आए हैं इलेक्शन में लेकर के, उनको काम से ज्यादा अपना कुर्सी का चिंता है, अगर काम ढंग से करेंगे तो कुर्सी की उनको कौन छीन लेगा, काम करिए आपको कुर्सी थे
उसने बढ़िया काम किए थे, लेकिन उसके बाद भूल गए वो कि काम करना हमको है। 15 साल से नीतीश कुमार का राज है और नीतीश कुमार हर जगह यही बात बोलते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है, तो उससे अच्छा मध्यवर्ती चुनाव कर लीजिए आप, उसके बाद अपना अलग अलग सब लोग लड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आप कितना विकास किए हैं, RJD वाला कितना विकास किया, BJP वाला कितना विकास किया, तो जनता उस पर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद जो सही रहेगा जनता को उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो होता ही है भैया, देखिए विधानसभा चुनाव में तो लगभग सब अलग ही अलग लड़ता है, उसके बाद ना हो जाता है। अभी फिलहाल तो गठबंधन के साथ ना लड़े थे, RJD के साथ ये लड़ते हैं तो इनका सीट ज्यादा जाता है, BJP के साथ लड़ते हैं तो पिछले बार क्या बोले कि BJP वाला धोखा दे दिया, चिराग पासवान को खड़ा कर दिया मेरे विरुद्ध, तो मेरा ये विधानसभा में सीट कम हो गया, फिर क्यों जा रहे हैं आप उनके साथ, आप ही ना इल्जाम लगाते हैं कि हम चिराग के साथ, हमको हनुमान जी कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है वो कहीं ना कहीं उनका हाथ बांधा जा रहा है RJD के साथ, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कर्पूरी जी को मिला है भारत रत्न, उसके बाद ही ये विवाद ज्यादा शुरू हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है इनका डिमांड शुरू, उन्होंने मंच से बोल दिया था परिवारवाद के ऊपर, तो कहने का मतलब क्या है, हो सकता है इसी के लिए वो BJP से अलग हुए होंगे शायद, कि अगर आप उनको नहीं देते हो तो हम आपसे अलग हो जाते हो, आज मिल गया तो लग रहा है कि नहीं वो पार्टी सही है तो उनके साथ जाना उनको। हमको नहीं लगता है भैया कि वो इतना जो है वो इतना निस्वार्थ मांग के लिए अलग होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन अभी एक निस्वार्थ मांग है। BJP भी दिए थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, और छोड़िए उसे, बोले बहुत चीज बोल चुके हैं, जीतन जी बोले थे कि माँ का कसम खाते हैं नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, चल गए ना उधर। BJP के लोग बार बार करते हैं कि खिड़की दरवाजा सब बंद हो गया है, सम्राट चौधरी तो इतना तक बोल दिया कि जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे नीतीश कुमार पार्टी बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन अभी RJD के साथ ही रहना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए नीतीश कुमार, कुछ नहीं बोल सकते, मुश्किल है बोलना, है ना, बात तो सही है, कंफ्यूज कर दिए ना सरकार, हम लोगों को कंफ्यूज कर दिए हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सुबह देखिए तो दूसरा न्यूज, शाम देखिए तो दूसरा न्यूज, मतलब यही चल ही रहा है TV में, और कुछ चल ही नहीं रहा है। आजकल तो लोगों का TV बंद ही नहीं हो रहा है, पता चल रहा है TV बंद किए इधर सरकार गिर गया। नहीं, हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, हम लोग इसी बारे में बिहार में देखिए कि बात सही है कि एकदम सरप्राइज की स्थिति बनी हुई है कि कभी भी कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है जनता को, अब बेचारी जनता भी बैठी ही हुई है कि दे ही दीजिए हमको सरप्राइज, जो होगा देख ही लेंगे। तो खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और जो भी सरप्राइज मिलेगा वो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन अभी विदा लेते हैं, बाय बाय।